बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में, विच इज़ जस्ट बिलो द फिज़िकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ट्रांसमिशन मीडियम से क्या मुराद है? मीडिया का मतलब है डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट और एन एजेंसी विच इज़ यूज टू सेंड द डेटा फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। एंड देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यूज इन डेटा कम्युनिकेशन, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब है फिज़िकल डिवाइसेस और वायर्स विच आर यूज टू कन्फाइन सिग्नल्स टू अ नैरो पाथ। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। एंड अनगाइडेड मीडिया, इट कंटेन्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वेव्स। And there are many types of unguided media like radio waves, microwaves. अब हम स्टार्ट करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स दैट आर कवर्ड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेशन। इसमें जो सर्कल सेंटर में होता है वो कंडक्टर, वो कॉपर का होता है और उसके बाहर एक इंसुलेशन होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड मीडियम। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क और बिल्डिंग विद इन द बिल्डिंग्स लैन में भी ये यूज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप है कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल में जो है सेंट्रल कोर कंडक्टर होता है। इसमें जो प्रोटेक्टिव कॉपर होता है ये सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। ये यूजुअली जो है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। और ये इसका लॉन्ग डिस्टेंस पे जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनमें यूज़ होता है। इट कैन कैरी अप टू 10,000 ऑफ वॉइस कॉल्स साइमल्टेनियसली। मोस्टली टेलीविजन में जो केबल यूज़ होती है वो भी हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है। एंड दिस केबल्स कैन ट्रांसफ़र डेटा एट मैक्सिमम रेट ऑफ 100 megabytes फॉर अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 kilometer। उसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूजेस लाइट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। और इसमें सेंट्रल कोर जो होता है वो ग्लास या प्लास्टिक का होता है और ये लाइट को ट्रांसमिट करता है वेरी हाई स्पीड। एंड इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है दैट इज़ थिन लाइक अ ह्यूमन हेयर। हाई इंटेंसिटी लाइट होती है इसमें जो जनरेट होती है और इसको ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। केबल टीवी में भी यूज़ होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की, जो वायरलेस मीडिया होता है इसको अनबाउंडेड भी बोलते हैं। इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट्स आ जाते हैं। रेडियो वेव्स क्योंकि बिल्डिंग्स पर इजीली पेनिट्रेट करती है इसलिए इनडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है। रेडियोज़ में और टीवी ट्रांसमिशंस में भी जो है रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है। ये बहुत इसके टावर्स लगाए जाते हैं जगह जगह। फिर आ जाते हैं माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स जो है ये वेरी हाई स्पीड ट्रांसमिशन है इसकी और ये उन्हें टावर करते हैं इन स्ट्रेट लाइंस। तो इसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये बेंड नहीं कर सकती इनकी जो वेव्स होती हैं। तो इसके जो टावर्स होते हैं वो बहुत हाई एंटीनास जो होते हैं बहुत हाई इवन माउंटेन्स और बिल्डिंग्स। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में डाटा सेंड किया जाता है अमंग द डिफरेंट अर्थ स्टेशंस एंड सैटेलाइट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट इज़ कॉल्ड अपलिंक एंड डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम सैटेलाइट्स टू अर्थ स्टेशन इज़ कॉल्ड डाउनलिंक। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा सेम टाइम पर सेंड किया जा सकता है और ये विद इन द कंट्री नहीं होता बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है अमंग कॉन्टिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डेटा ट्रांसमिशन और उसकी टाइप्स। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।